वॉन्ट टू ड्राइव ए SUV, उसके अंदर आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए और लो मेंटेनेंस भी चाहिए, तो एक ऑप्शन आपके सामने ये है। दिस इज टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर। बेसिकली ये गाड़ी रिबेस्ड वर्जन है फ्रॉन्क्स का। नमस्ते। टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर, टोयोटा ने इसको अप्रैल मंथ में लॉन्च किया था एंड ये अवेलेबल है आपके नियरेस्ट डीलरशिप पर। जस्ट लाइक फ्रॉन्क्स, इसके अंदर भी दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल जाएंगे एंड CNG का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है 7.74 लाख एक्सोरूम बेस वेरियंट का। बारीक से बारीक डिटेल आपको इस टाइजर की इस वीडियो में मिल जाएगी। क्या ये मारुति फ्रॉन्क्स से बेहतर है, क्या इसके अंदर अलग से एडिशनली फीचर्स मिल रहे हैं, आपकी डेली ड्राइव को सूट करेगा या नहीं करेगा, सिटी के अंदर कम्यूट करना कितना इजी रहेगा, इसके अंदर आपको सेफ्टी के लिए क्या फीचर्स मिल जा रहे हैं, इसके अंदर CNG में माइलेज कितनी मिलेगी, पेट्रोल के अंदर कितनी माइलेज मिलेगी, ट्रांसमिशन कौन सा होगा, पावर कितनी मिलेगी, तो ये सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड आपकी स्क्रीन पर V मॉडल जो कि टॉप एंड मॉडल है, V ऑटोमेटिक, बेसिकली इसके अंदर 5 कलर है, 3 ड्यूल टोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके वेरिएंट्स आएंगे E, S, S+, Z एंड V। ई वेरिएंट है। इसके अलावा सभी चारों वेरिएंट में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। E, S, S+ तीन वेरिएंट जो है इसके 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आएंगे। जी एंड वी ट्रिम जो है वो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। टर्बोचार्ज जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ई वेरिएंट्स बेस वेरिएंट है और उसी के अंदर केवल CNG का ऑप्शन मिलेगा, बाकी और किसी ट्रिम में CNG का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लुक्स में इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं किया है, छोटे मोटे कॉस्मेटिक टच आपको इसके ऊपर नजर आएंगे। टोयोटा ने अपना टचअप दिया है, जैसे कि इसकी फ्रंट की ग्रिल ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट के साथ मिलने वाली है। 360 डिग्री कैमरा वी वेरिएंट में आ जाता है। फ्रंट कैमरा टोयोटा के लोगो के नीचे नजर आ रहा होगा। नीचे आपको सिल्वर कलर एलिमेंट्स बम्पर पर जो रिवाइज किया है टोयोटा ने, ये इसका DRL फ्रॉन्क्स के अंदर यहाँ पर क्यूब टाइप DRL देखने को मिलता है। टाइजर के अंदर ये ड्यूल पाइप में आपको DRL नजर आएगा एंड ये वाला एलिमेंट टोयोटा ने अलग से ऐड किया है। और ये LED हेडलाइट S+ वेरिएंट से स्टार्ट हो जाएंगी। ई और एस दोनों के अंदर आपको हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलाइट यहाँ पर मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। साइड प्रोफाइल फ्रॉन्क्स एंड इसकी सेम ही है, थोड़ा सा अलॉय व्हील के डिजाइन को टोयोटा ने रीडिजाइन किया है। नीचे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट्स एंड बॉडी कॉर्नरिंग्स, थोड़ा सा इसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी। साइड कैमरा की प्लेसमेंट ORVM के नीचे नजर आएगी। हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, इस वजह से फ्रॉन्क्स ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके अंदर 190mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। टिंटेड ग्लास, सन रेज जो जा रही है उसको कंट्रोल करते हैं, गाड़ी का AC इफेक्टिवली काम करता है। ये केवल CNV वेरियंट में ही आएंगे। फ्यूल टैंक की ओपनिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड नजर आएगी। रियर प्रोफाइल में क्या फीचर्स मिल रहे हैं, आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा यहाँ पर एंड नीचे की तरफ पार्किंग सेंसर्स, कनेक्टिंग लैंप जो कि आपको G&V में ही मिलने वाला है, बाकी इससे पहले वाले वेरिएंट में ये कनेक्टेड केवल एक एलिमेंट मिलेगा, वो ब्लिंक नहीं होता या यू कैन से कि वो उसके अंदर लाइट नजर नहीं आएगी। एंड पीछे की तरफ बूट लीड पर आपको नजर आएगा टाइजर की ब्रांडिंग, अर्बन क्रूजर टाइजर। राइट हैंड साइड आपको मिलेगा वी ड्राइव या वेरियंट्स की ब्रांडिंग नजर आ जाएगी। पीछे की तरफ लाइट का सेटअप पूरा कम्प्लीटली LED के अंदर नजर आएगा। रियर वाइपर डीफॉगर, कमाल की बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। एंड पीछे रिफ्लेक्टर और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, इन सब फीचर्स के साथ इसकी रियर प्रोफाइल। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको टोइंग हुक भी मिल जाएगा।
इंटीरियर ड्यूल टोन कलर के साथ आ रहा है। ड्राइवर साइड की विंडो वन टच डाउन, यहाँ पर आपको लेदराइट टच डोर पैड्स पर नजर आ जाएगा। टॉप एंड वेरिएंट हो या बेस वेरिएंट हो, सीट सभी में फाइबर अपोलोस्ट्री के साथ नजर आएंगी, बट हाइट एडजस्टेबल सीट यहाँ पर नजर आ जाएंगी। वी के अंदर आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाएगी, जो कि आपको इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नजर नहीं आएगी। ऑटो एसी मिल जा रहा है, वायरलेस चार्जर को जी एंड वी वेरिएंट में मिलेगा, टाइप ए यूएसबी चार्जर मिल जाएगा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को पावर देने के लिए, एंड आप सोसाइटी से कनेक्टेड हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसलिए इसके अंदर पेडल शिफ्टर भी मिलेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर मिलेगा यदि आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ले रहे हैं तो। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM ई के अलावा सभी वेरिएंट्स में मिल जाएंगे विद स्लाइडिंग एंड स्टोरेज के साथ। ये आर्मरेस्ट केवल जी और वी वेरिएंट में ही मिलेगी। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है एंड जिस पे आपको क्रूज कंट्रोल को केवल तो वी वेरिएंट में मिलेगा। इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाएंगे। कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए स्विचेज यहाँ पर हैं, वॉइस कमांड के लिए स्विचेज यहाँ पर हैं, और पेडल शिफ्टर। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 9 इंच का मिल रहा है, वो केवल वी वेरिएंट में मिलेगा, बाकी एस से और जी तक, एस, एस प्लस और जी तीनों वेरिएंट में 7 इंच का यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। तो इसके अंदर नेविगेशन मिल जाएगा, एप्पल एंड्रॉइड कार प्ले मिल जाएगा, वॉइस असिस्ट ब्लूटूथ मिल जाएगा, आप इसको ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्मार्ट वॉच में इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एंड इन सब फीचर्स के अलावा भी इसके अंदर फीचर्स है, एक गूगल और अलेक्सा की इनबिल्ट कनेक्टिविटी का, वॉइस कमांड से आप गूगल और अलेक्सा से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। स्पीडोमीटर मिलता है आपको कुछ ऐसा, जिसमें 4 इंच की कलर TFT डिस्प्ले मिल जा रही है, RPM मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, एंड सारी इन्फॉर्मेशन आप इसकी TFT डिस्प्ले के अंदर चेक कर सकते हैं। कीलेस एंट्री सिस्टम आप बेस वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाता है। केबिन लैंप हेलोजन में मिलेंगे और ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा, सनसेट विद वैनिटी मिरर और वैनिटी लैंप के साथ मिलेंगे। यह है इसका कंट्रोल पैनल, हेड अप डिस्प्ले के लिए 360 डिग्री कैमरा का व्यू और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आपका ऑटो ऑन ऑफ का स्टार्ट बटन, एंड ये हेडलाइट के लेवलर और पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। सेकेंड रो के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएगा और दो आपको यहाँ पर टाइप ए एंड टाइप सी यूएसबी चार्जर मिलेंगे, ये केवल आपको जी एंड वी में मिलेगा। रियर बेंच 60-40 रेशो में स्प्लिट नजर आएगी, 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ 2 आइसोफिक्स माउंट एंकर्स भी मिल जाएंगे, आप आइसोफिक्स एसेसरीज यहाँ पर लगा सकते हैं अपने चाइल्ड की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। गाड़ी के अंदर 2 इंजन ऑप्शन मिल जा रहे हैं, एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वही CNG ऑप्शन के साथ आएगा। पावर फिगर्स एंड जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। CNG में यहाँ पर कंपनी जो क्लेम कर रही है इसके साथ माइलेज, वो करीब 28.5 किलोमीटर पर KG का क्लेम कर रही है, जो कि काफ़ी डिसेंट माइलेज है। पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी क्लेम कर रही है 22 किलोमीटर पर लीटर, वो वेरी होता रहेगा अकॉर्डिंग टू आपके जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है और जो आपका इंजन है उसके अकॉर्डिंग। 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर AMT के साथ सबसे ज़्यादा कंपनी ने माइलेज क्लेम की है, जो कि 22.4 किलोमीटर पर लीटर रहने वाली है। पावर एंड टॉर्क, जो ये वाला इंजन है ये सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, 1 लीटर वाला जो आपकी स्क्रीन पर है, ये आपको यहाँ पर 100 PS की पावर एंड 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा। जो दूसरा वाला इंजन है वो 92 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा। तो CNG के अंदर यहाँ 77.5 PS की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। देखो 6 एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आ रही है अब, लेकिन 6 एयरबैग्स जो हैं इस जी एंड वी वेरिएंट में मिलेंगे। हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, रिवर्स कैमरा, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट एंड रियर, रियर डिफोगर, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, ये सारे चीज़ें बेस वेरिएंट से मिल जाएंगे। और बाकी जो इसके सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। टायर में चेंज नहीं आया है, केवल इसके व्हील्स के डिज़ाइन में चेंज आया है। यहाँ पर टोयोटा ने अपने हिसाब से यहाँ पे अलॉय व्हील दिया है, जो फ्रोंक से थोड़ा सा अलग है। टायर प्रोफाइल 195/65R 16 इंच का, और ये ड्यूल टोन जो मशीन कट अलॉय व्हील देख रहे हैं ये केवल आपको वी वेरिएंट में मिलेगा, यानी एस प्लस और जी के अंदर जो अलॉय व्हील है वो आपको पेंटेड नजर आएगा, बाकी अलॉय व्हील वहाँ पर भी मिलेगा। एंड कमाल की बात यह है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 16 इंच का टायर, यही टायर साइज़ आपको नज़र आएगा।
फ्रंट के अंदर आप डिस्क ब्रेक मिलेंगे एंड रियर में यहाँ पर ड्रम ब्रेक के साथ विद ABS EVD यहाँ सस्पेंशन फ्रंट के अंदर मैकफर्जन स्ट्रट, रियर में टॉर्जन बीम बार एज ए सस्पेंशन नजर आएगा विद शॉक्स, और 37 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक है। और जो CNG टैंक यहाँ पर मिलता है E-Variant में, उसकी कैपेसिटी 55 लीटर की रहेगी। मैं वाटर कैपेसिटी के सिमिलर बता रहा हूँ, 3 लीटर का ये बूट स्पेस है एंड स्पेयर व्हील वही 16 इंच का दिया है जो बाहर की तरफ टायर मिल रहा है, तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं। और बूट के अंदर आपको लैंप, हैंगर और इस तरफ इसके यूटिलिटीज़ रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। लेंथ रहेगी 3955 mm की, विड्थ रहेगी 1765 mm की एंड जो इसकी हाइट है वो रहेगी 1550 mm की। कर्व वेट इसके अंदर मैक्सिमम जो है CNG के अंदर 1060 kg का रहने वाला है, बाकी जो इसका ई एस एंड एस प्लस जो वेरिएंट है उसके अंदर वेरी करेगा 965 से 975 kg। इसका जी एंड वी वेरिएंट है उसका कर्व वेट 1060 kg रहने वाला है। प्राइस इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है ई, जिसका प्राइस रखा गया है 7.74 lakh एक्शोरूम, 22,000 रुपीस एक्स्ट्रा है यदि फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट या सिग्मा से आप कंपेयर करते हैं तो। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर एस, जिसका प्राइस है 8.60 lakh, फिर ई CNG जिसका प्राइस रहेगा 8.71 lakh, जो बेस ट्रीम से करीब 1 lakh रुपये कॉस्टलियर रहेगा। फीचर्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही हैं। फ्रोंक्स के अंदर दो CNG ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सिग्मा के साथ और एक डेल्टा के साथ। डेल्टा वेरिएंट के साथ जो CNG ऑप्शन मिल रहा है वो 9.33 lakh का पड़ेगा और यहाँ पर वो एक ही वेरिएंट मिलता है जो पड़ेगा आपको 8.71 का। और फ्रोंक्स के अंदर जो सिग्मा वेरिएंट जो CNG के साथ आता है वो करीब 8.47 lakh का पड़ेगा। हाँ, इसके जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसके अंदर यहाँ पर प्राइस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। जी का यहाँ पर प्राइस है 10.55 lakh मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जी का प्राइस है वो 11.96 lakh है, और वी का प्राइस जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 11.47 lakh है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 12.88 lakh रखा गया है, जो कि सेम है जेटा और अल्फा के साथ। वी यानी जो आपकी स्क्रीन पर है वी ऑटोमेटिक, इसका प्राइस रहेगा 12.88 lakh, यदि यही ड्यूल टोन होता तो 13.04 lakh इसका एक्सशोरूम प्राइस रहता। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और अर्बन क्रूजर टाइजर, दोनों गाड़ियां सेम ही हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स दोनों गाड़ियों में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, लेकिन दोनों में कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है। 22,000 कॉस्टलियर जा रही है टाइजर के अंदर, ई एस एस प्लस तीनों वेरिएंट थोड़े से कॉस्टलियर साइड जाते हैं। और दूसरा डिफरेंस आ जाता है टाइजर के साथ कि यहाँ पर आपको केवल CNG के लिए एक ही वेरिएंट मिलेगा, फ्रोंक्स में आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं। लेकिन 22,000 का जो डिफरेंस है, मारुति जो अपने व्हीकल्स पे वारंटी देती है वो 40,000 और 2 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, लेकिन टोयोटा आपको वारंटी दे रही है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की। वारंटी फिगर के अलावा भी एक और चीज़ टोयोटा एक्स्ट्रा दे देती है 22,000 रुपीज़ में, वो क्या, वो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंट मिल जाती है। आप मुझे बताना 22,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के ये चीज़ लेना वाजिब है या नहीं, वो आप मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हैं। राइवल्स, टाइजर का मेन राइवल तो ऑफकोर्स फ्रोंक्स ही है। दूसरा यहाँ पर आपको 3XO देखने को मिल जाएगी। 3XO का बेस वेरिएंट का प्राइस 7.47 lakh से स्टार्ट हो जाता है, जो कि इससे करीब 30,000 थोड़ा सा सस्ता है, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। फिर नेक्सॉन भी इसकी कैटेगरी में आ जाती है, नेक्सॉन भी इसका राइवल रहेगी, और इस सेगमेंट में ना राइवल्स भरे पड़े हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू अर्बन क्रूजर टाइजर, कैसी लगी डू लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक 2 व्हीलर चला रहे तो हेलमेट का प्रयोग, और 4 व्हीलर चला रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।